काल भैरव बाबा को शराब क्यों चढ़ाई जाती है? क्या मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है, बेजान चीजों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए वह कुछ खाती पीती नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। आस्था और अंधविश्वास की इस कड़ी में हमने इसी तथ्य को खंगालने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश के लिए हमने सबसे पहले रुख किया उज्जैन का। महाकाल के इस नगर को मंदिरों का नगर कहा जाता है, लेकिन हमारी मंजिल थी एक विशेष मंदिर, काल भैरव मंदिर। यह मंदिर महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही समय बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार पर थे। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर हमें फूल प्रसाद, श्री फल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें भी सजी नजर आईं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, जान पाते, उससे पहले ही हमारे सामने कुछ श्रद्धालुओं ने प्रसाद के साथ साथ मदिरा की बोतलें भी खरीदी। जब हमने दुकानदार रवि वर्मा से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बाबा के दर पर आने वाला हर भक्त उनको मदिरा जरूर चढ़ाता है। बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। रवि से जानकारी लेने के बाद हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर भक्त के हाथ में प्रसाद की टोकरी थी। इस टोकरी में फूल और श्रीफल के साथ साथ मदिरा की एक छोटी बोतल भी जरूर नजर आ जाती। हम मंदिर के गर्भगृह में एक तरफ खड़े हो गए और देखने लगे कि बाबा कैसे मदिरा का पान करते हैं। अंदर का दृश्य बेहद निराला था। बाबा की प्रतिमा के पास बैठे पुजारी गोपाल महाराज कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। इतने में ही एक भक्त ने प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया। पंडित जी ने मदिरा को एक छोटी प्लेट में निकाला और बाबा की मूरत के मुंह से लगा दिया। और यह क्या, भोग लगाने के बाद प्लेट में मदिरा की एक बूंद भी नहीं बची। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। एक के बाद एक भक्त आते गए और बाबा की मूर्ति मदिरा पान करती रही। सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा था। हम काफ़ी देर तक यहीं खड़े रहे। मदिरा पिलाने का सिलसिला भी लगातार जारी था। पंडित जी भैरव बाबा को लगातार प्रसाद चढ़ाते जा रहे थे, लेकिन कहीं भी मदिरा की एक बूंद भी नज़र नहीं आ रही थी। हमने राजेश चतुर्वेदी नामक एक भक्त से इस बाबत चर्चा की। राजेश ने बताया वह उज्जैन के रहने वाले हैं और हर रविवार काल भैरव को मदिरा का भोग लगाने जरूर आते हैं। राजेश बताते हैं कि पहले पहल वह भी यह जानने की कोशिश करते थे कि मदिरा आखिर जाती कहाँ है, लेकिन अब उन्हें पक्का विश्वास है कि मदिरा का भोग भगवान काल भैरव ही लगाते हैं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। अब यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं
बाबा को भोग जरूर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी गोपाल महाराज बताते हैं कि यह विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वह बहुत खुशी के साथ स्वीकार भी करते हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं, उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद वह काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। मंदिर में काफ़ी देर तक बैठने और आसपास की जगहों का मुआयना करने के बाद और तमाम जानकार लोगों से बातें करने के बाद हमें भी पूरा यकीन हो गया कि जहां आस्था होती है वहां शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह सब कब कैसे और क्यों शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वह बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वह खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।